बीपीएससी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार को भागलपुर में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हो गई। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर भागलपुर जिले में कुल 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। वहीं परीक्षा को लेकर जुटी भीड़ के कारण शहर के मुख्य सड़कों पर लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि परीक्षा संपन्न होने के बाद सड़कों और रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की काफी भीड़ देखने को मिली। इधर दूर दराज से परीक्षा देने भागलपुर पहुंचे काफी संख्या में परीक्षार्थियों को रात बिताने के लिए शहर में कमरा भी नहीं मिल सका, जिससे उन सभी अभ्यर्थियों को रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए भागलपुर में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और एग्जामिनेशन सेंटर के मुख्य द्वार पर परीक्षार्थियों की सघन चेकिंग की जा रही थी, जबकि परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट के साथ पुरुष और महिला पुलिस बलों की भी तैनाती की गई थी। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकलने पर बताया कि परीक्षा में प्रश्न काफी सरल था, जिसके कारण कट ऑफ काफी हाई जाएगा। परीक्षार्थियों ने बताया कि सभी प्रश्न सिलेबस से था और ज्यादातर प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं, जबकि प्रश्नों के गलत जवाब पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, जिससे उन सभी को बेहतर परिणाम आने की उम्मीद है। सवाल तो ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से था, हिस्ट्री हम लोग का सब्जेक्ट है फाइनल, नहीं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था। जो उन्होंने बोले थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहेगी, तो ज़्यादातर बुक से क्वेश्चन थे। अब तो फाइनल रिजल्ट आएगा तो भी, लेकिन फिर भी लगता है अच्छा जाएगा। क्वेश्चन जी था कट ऑफ हाई जाएगा, क्या बताएं 50-60 अब रिजल्ट आने के बाद है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मायागंज से मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा लापरवाही बरतने की बात सामने आई है, जिससे पूर्वी बिहार के सबसे बड़े अस्पताल JLMCH में इलाज को लेकर डॉक्टरों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बताया जा रहा है कि मायागंज अस्पताल के स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग में एक महिला की सर्जरी के बाद डॉक्टर ने पेट के अंदर कपड़ा छोड़ दिया था, जिससे कुछ दिनों की परेशानी के बाद महिला की आंत फट गई। इसको लेकर पीड़ित महिला के पति चंदन कुमार ने बताया कि बीते 19 फरवरी को उसने अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी को प्रसव के लिए मायागंज अस्पताल में डॉक्टर अर्चना झा की यूनिट में भर्ती कराया था, जहां सीजेरियन से प्रसूता ने बेटे को जन्म दिया और 26 फरवरी को उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। चंदन कुमार ने बताया कि घर जाने के बाद भी अक्सर प्रियंका को पेट में दर्द होता था, जबकि महिला के पेट में दर्द कम होने पर एक बार फिर 15 अप्रैल को प्रियंका डॉक्टरों के पास अस्पताल पहुंची, जहां उसे दोबारा से भर्ती कर लिया गया और चिकित्सकों को जांच के दौरान प्रियंका कुमारी की बीमारी का पता नहीं चल सका, जिसके बाद मामूली ड्रेसिंग कर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। साथ ही पीड़िता के पति चंदन कुमार ने कहा कि इसके 4 महीने बाद अगस्त माह में वह अपनी पत्नी प्रियंका को लेकर इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में पहुंचा, जिसके बाद डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड कराने पर चौंकाने वाली बात पता चली। बताया जा रहा है कि फरवरी माह में प्रसव के लिए हुए ऑपरेशन में महिला के पेट में डॉक्टरों के द्वारा कपड़ा छोड़ दिया गया था, जिससे महिला को लगातार पेट में दर्द और परेशानी से जूझना पड़ा, जबकि इसके कारण पीड़िता प्रियंका कुमारी का आंत फट गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि निजी नर्सिंग होम में चिकित्सकों द्वारा दोबारा ऑपरेशन कर प्रियंका के पेट से कपड़ा निकाल कर आंत का इलाज किया गया, जबकि डॉक्टरों की इस लापरवाही से महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन सही समय रहते निजी नर्सिंग होम में महिला का दोबारा ऑपरेशन कर उसके पेट से कपड़ा निकाल दिया गया। 19 फरवरी 2023 को मायागंज में एडमिट हुए, मेरे पेशेंट एडमिट हुए थे। कौन पेशेंट? मेरे वाइफ। उसके बाद उसको ऑपरेशन, बड़ी ऑपरेशन करके डिलीवरी हुआ। डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बाहर कर दिया गया। उसके बाद सिलाई करके 7 दिन रखे गए, रखे वहाँ। उसके बाद हम लोग को घर भेज दिए। घर भेजने के बाद फिर हम लोग सही सलामत तो आ गए, लेकिन उसके बाद फिर पेट में दर्द होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोग वहाँ मायागंज ही गए, तो फिर वहाँ उस पस बन रहा था। पस बनने के कारण वहाँ ड्रेसिंग व्रेसिंग करते रह गए। वहाँ भी हम लोग को 20 दिन रखा। फिर हम लोग को बाहर कर दिए, घर भेज दिए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ दिन रेस्ट लिए, पेशेंट का आराम मिला। उसके बाद फिर से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होते होते हम लोग हर महीने जाँच उच करवाते रह गए, लेकिन उसमें रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा था। लास्ट में जब प्राइवेट हॉस्पिटल हम आए तो पता चल रहा है कि पेट में गांठ बन गया है। गांठ बनने का जब हम लोग ऑपरेशन करवाने के लिए आए, तो ऑपरेशन के करने के टाइम वहाँ से पेट से कपड़ा निकल गया। पेट दर्द और गोला लोअर एब्डोमेन में लेकर के आई थी पेशेंट मेरे पास,
जब ऑपरेशन उसका किया गया तो अंदर में गोला बना हुआ था और एक कपड़े का टुकड़ा भी उसमें छूटा हुआ था जिसको हम लोग ऑपरेशन में यूज़ करते हैं टेट्रा, उसको निकाल दिया गया। पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, पेशेंट अभी सुरक्षित है, स्वस्थ है। अगर वो रह जाता अंदर तो क्या कुछ हो सकता था? हाँ, तो अंदर में पूरा दिक्कत तो हो ही सकती थी, सारा हाथ सड़ सकता था, सारा कुछ इन्फेक्शन पेट के अंदर हो सकता था। भागलपुर अग्निशमन विभाग की ओर से भारतीय खाद्य निगम भागलपुर शाखा के सभी कर्मचारियों को अचानक आग लग जाने पर आपातकालीन स्थिति में इससे बचाव को लेकर मॉक ड्रिल के माध्यम से कई जरूरी बातों की जानकारी दी गई। इस दौरान अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने सबसे पहले मॉक ड्रिल किया, जिसके बाद भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों से कई बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आग लगने की संभावना को दूर करने के साथ आग लग जाने की स्थिति में उसे जल्द से जल्द बुझाने की बात कही। वहीं इसको लेकर अग्निशमन विभाग के गुंजन कुमार सिंह ने कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान खाद्य निगम के कर्मचारियों को कई जरूरी जानकारी दी गई, जिसका ध्यान रखकर आग से होने वाले नुकसान से बचाव के साथ काफी कम किया जा सकता है। आज कल एक कार्यालय में लेटर मिला था भारतीय खाद्य निगम की ओर से कि मेरे यहाँ सभी कर्मचारी को आग से बचाव हेतु मॉक ड्रिल किया जाए, आग से जानकारी मॉक ड्रिल में बताया जाए। तो उसी लेटर के संबंध में हम लोग आए यहाँ पे, आज सभी कर्मचारी एकत्रित हुए खाद्य निगम के और सबको आग से कैसे बचा जाए और आग लगे तो कैसे बुझाया जाए इसके बारे में डीपली बताएं। नमस्कार, मेरा नाम सुहास राउत है, मेरी उम्र हो रही है 29 इयर्स और मुझे पिछला साल से डायबिटीज है। तो आज अंग्रेजी दवा कुछ दिन खाया, उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी और एक दोस्त के वजह से डॉक्टर साहब के वहाँ पर आया और वहाँ से 3 महीने का दवाई खाया और आज ब्लॉक का दवाई खाया। तो मेरा अभी सब कुछ नॉर्मल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है डायबिटीज़ की, मुझे अभी बहुत अच्छा फीलिंग हो रही है। डॉक्टर साहब जो हैं, डॉक्टर पहले से काफ़ी महसूस अब पिछला क्या हुआ था कि वजन घटने लगा था मेरा, फिर यहाँ पर वजन कंट्रोल में आया थोड़ा और केवल 3 महीने की दवाई से ही मेरा सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से सावन माह में उत्तरवाहिनी गंगा में डुबकी लगाकर गंगा जल के साथ देवघर रवाना होने के लिए दूर दूर से अपनी मन्नत लेकर कांवरिया पहुंचते हैं। इस दौरान अपने मन में अलग अलग मन्नतों को लिए रंग बिरंगे कांवर के साथ देश विदेश से शिव भक्त अजगैबीनाथ धाम पहुँचते हैं, जो बाबा बैद्यनाथ धाम पहुँच कर भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। वहीं इसी कड़ी में एक ऐसे शिव भक्त भी हैं जो भारत के वीर शहीद जवानों के लिए
गंगोत्री से पैदल चलकर भागलपुर अजगैबीनाथ धाम पहुंचे और गंगा स्नान कर देवघर बाबा धाम के लिए बोल बम का नारा लगाते हुए पैदल रवाना हो गए। इसको लेकर झारखंड धनबाद के रहने वाले कांवरिया गुणवंत जोशी ने बताया कि वो भारत के वीर शहीद जवानों के लिए गंगोत्री से पैदल चलकर अजगैबीनाथ धाम आए हैं। उत्तर वाहिनी गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए देवघर बासुकीनाथ धनबाद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र जगन्नाथ धाम सोमनाथ द्वारका गुजरात तक की यात्रा करेंगे। कांवरिया गुणवंत जोशी ने बताया कि यह उनकी दूसरी बार पैदल कांवर यात्रा है जो भारत के वीर शहीदों के लिए उनकी ओर से श्रद्धांजलि है, जबकि उनकी यह पैदल यात्रा 2 माह में पूरी होगी। जल गंगोत्री से भी भरे है और बाबा अजगैबीनाथ का उत्तर वाहिनी गंगा जी जी आज ने आपने भरा जी आज सुबह से भरे हैं। और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? ये यात्रा का उद्देश्य है भारत के वीर शहीदों के नाम की श्रद्धांजलि जी जी। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये गंगोत्री से चलिए बाबा अजगैबीनाथ काशी विश्वनाथ होते हुए और बाबा बैजनाथ बाबा बासुकीनाथ जाएगी, फिर धनबाद होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए ये सोमनाथ जाएगी। ये पहली यात्रा है या नहीं? एक बार अजगैबीनाथ से सुल्तानगंज का जल लेके बाबा को हम चढ़ाए हैं सोमनाथ में जी जी, तो 4 साल पहले। ये दूसरी यात्रा है आपका? ये दूसरी। कितने दिनों में पहुंचते हैं आप? कम से कम 1.5-2 महीना लग जाएगा। भागलपुर के रोटरी विक्रमशिला एवं विक्रमशिला पिंक क्लब की ओर से क्लब के चार्टर अध्यक्ष और पूर्व उप जिलापाल प्रवीण सिंह कुशवाहा के जन्मदिन के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के अध्यक्ष विजय आनंद, हेमंत शर्मा, सुमित कुमार, फरहीन इश्तियाक और नीतू कनौजिया समेत 27 लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान सभी रक्तवीरों को संस्था की ओर से प्रमाण पत्र के साथ शॉल और टी शर्ट भेंट किया गया। वही रक्तदान कार्यक्रम के बाद क्लब की ओर से प्रवीण सिंह के जन्मदिन पर सभी ने मिलकर केक काटा और उन्हें बधाई दी। इस दौरान ब्लड बैंक के अध्यक्ष वाजिद अंसारी और अरुण झा की मौजूदगी में लैब की टीम ने रक्त संग्रहण किया और लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक होने की बात कही। मौके पर चंदना चौधरी, अंजना प्रकाश, अमित आनंद, प्रशांत बैनर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। भागलपुर गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित 34वां क्षेत्रीय शतरंज, टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन प्रतियोगिता के दूसरे दिन के खेल और समापन कार्यक्रम की शुरुआत विभाग के पदाधिकारियों और अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि विद्या भारती मानव निर्माण करने के कार्य में निरंतर कार्य कर रही है और शिक्षा के साथ संस्कार देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, जबकि इसके अलावा शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए शारीरिक एवं खेलकूद की गतिविधि पर भी बल देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि खेल के माध्यम से छात्र छात्रा राष्ट्रीय स्तर तक की सफलता प्राप्त करते हैं, जिससे देश का भी सम्मान बढ़ता है। वहीं अलग अलग खेल प्रतियोगिता में भागलपुर आनंदराम डंडनिया सरस्वती विद्या मंदिर, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनबाद, सरस्वती विद्या मंदिर बोकारो और पटना के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, जबकि टेबल टेनिस प्रतियोगिता अंडर-19 छात्र वर्ग में पटना, भागलपुर और राजगीर के खिलाड़ियों ने सफलता अर्जित की। इसके अलावा अंडर-19 छात्र में गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर और रामगढ़ सरस्वती विद्या मंदिर और बोकारो के छात्रों ने बेहतर स्थान प्राप्त किया। मंच का संचालन डॉक्टर संजीव कुमार झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विनोद कुमार ने किया। मौके पर अशोक कुमार मिश्र और मीडिया प्रभारी दीपक कुमार झा समेत कई अतिथि और विद्यालय के आचार्य एवं खिलाड़ी मौजूद रहे।